समदड़ी कस्बे में चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार रात्रि को अज्ञात चोरों ने समदड़ी क्षेत्र के रानी देशीपुरा कस्बे के बाबा रामदेव मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर में रखे दान पात्र से हजारों की नकदी, चांदी के आभूषण व बाबा के चांदी के घोड़े पार कर लिए। सूचना के बाद मौके पर समदड़ी पुलिस पहुंची व मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। समदड़ी से सुनील दवे की रिपोर्ट। समदड़ी क्षेत्र में चोर गिरोह पुलिस और आम जनता के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। चोर गिरोह लगातार इलाके के सुने मकानों एवं मंदिरों को निशाना बनाकर आए दिन लाखों की नकदी एवं जेवरात पर हाथ साफ कर रहे हैं, जिसके इलाके के लोगों में रोष व्याप्त हैं। इलाके में चोर गिरोह द्वारा एक मंदिर को निशाना बनाकर लाखों की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ करने का ताज़ा मामला सामने आया है। गुरुवार मध्य रात्रि रानी देशीपुरा कस्बे के बाबा रामदेव मंदिर को चोरों ने निशाना बनाकर दान पात्र से हजारों की नकदी, चांदी के छत्तर, बाबा के चांदी के घोड़े चोर ले उड़े। सुबह ग्रामीणों ने मंदिर के ताले टूटे हुए देखे तो समदड़ी पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची समदड़ी पुलिस पद चिन्हों के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। बीते कई माह से क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस छुटपुट चोरी की घटनाओं की वारदात का खुलासा कर वाहवाही लूटने में लगी हुई है, लेकिन क्षेत्र में मंदिरों में हो रही चोरियों के मामले में अभी तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं कर पाई है। लगातार मंदिरों पर चोरियों की वारदातों से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।